मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा गांव में कबाड़ी की दुकान पर एक संदिग्ध वस्तु से ब्लास्ट हो गया। हम उस दुकान के बाहर हैं, यहां पर थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था हो रखी है। पूरा पुलिस प्रशासन यहां पर है, तहकीकात करने हुए लगा हुआ है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, आसपास के मकानों पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। और ये देखिए कि किस तरीके से जो ये चेयर है, इसके तहस नहस हो चुका है, परकच्छे उड़ चुके हैं उसके। और ये जो बाट बताया जा रहा है, ये वो बाट है, काफ़ी हैवी है। देखिए ये काफ़ी हैवी है, उठाने में भी कम से कम ये लग रहा है कि 3-4 किलो का ये हिस्सा होगा। और ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। यहाँ के प्रधान हैं और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसको यहाँ छोड़ देते हैं। प्रधान जी, क्या हुआ था पूरा बताएंगे। दरअसल लगभग 9:45 पे एक विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ गई है। और विस्फोट इतना भयंकर था कि उसमें जो ये दुकान के चलाते थे, वो उसमें बिल्कुल उनकी जो टांग है वो अलग हो चुकी है, और बुरी तरीके से मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी है। और 2 लोग अन्य घायल हैं जो यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ के आसपास के पेड़ और शीशे जो हैं सब टूट चुके हैं, और यहाँ के नहीं बल्कि अंदर तक के जो आसपास के मकान हैं उनके अंदर तक के शीशे जो हैं उससे टूट चुके हैं। धमाके टुकड़े उड़े हैं, मैं पेड़ की तरफ देखना चाहूँगा, तो ये पेड़ पे ये जो निशान है ये उन्हीं टुकड़ों का है क्या निशान? ये उन्हीं टुकड़ों से ये निशान हुए हैं, पेड़ के ऊपर तक आप देख सकते हो निशान जो है। ये जो पूरा पीछे, एक बार मैं पेड़ की तरफ लेके जाऊँगा, ये देखिए कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो उसके टुकड़े उड़े हैं उसके ये जिस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद निकलने लगता है, दूध जिसे कहा जाता है पेड़ का, वो यहाँ से झड़ के निकल रहा है। और कितना तेज ये ब्लास्ट होगा, इस चीज़ से लगा सकते हैं। आसपास के ऊपर का मकान है, ऊपर के ब्लास्ट का असर देखने को मिला है। शीशा टूटा है, दोनों तरफ से शीशे टूटे हुए हैं, और दूसरी तरफ भी जो मकान है उसके भी शीशे टूटे हुए हैं। और भी लोगों से जानकारी जुटाते हैं थोड़ा सा। आप बताइए क्या हुआ था, ये जो पीस उठा हुआ था ये क्या चीज़ है? ये देखिए बाट है, 50 kg यानी 50 किलो का बाट है, और इसके जो है मतलब ये कितने भागों में टूट गया है, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक विस्फोट हुआ होगा। मतलब तो आदमी की जो है देह वो क्या काम करेगी इसके सामने, तो चित्र जो भी थे यहाँ पे उनके चित्र उड़ रहे हैं। सर आप यहाँ पर थे आसपास? नहीं, मैं है नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर की दूर पर मेरा घर है, और मेरे को वहाँ पर आवाज़ आई, तो मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं विस्फोट हुआ। मैं बात कर रहा हूँ, मैं पता नहीं कहीं धमाका हुआ, कहीं दिवाली का चल रहा, तो एक ऐसी बोल ले कि हो सकता है कि ये कोई वो तो नहीं फट गया कोई गैस सिलेंडर, मैं पता नहीं भाई क्या, लेकिन मुझे अभी पता चला, जैसे मुझे पता चला तुरंत मैं आया यहाँ पर, क्योंकि मैं आप अंदर खुद भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर थे गांव में। मैं लगभग यहाँ से सुनाई दी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से मैं लगभग 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर था, 1 किलोमीटर तो वहाँ तक इसका जो है आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दी है। कितने लोग थे यहाँ पर जो घायल हुए, कौन था यहाँ पे, कोई था उस समय? 3 लोग घायल हुए हैं, 3 लोग घायल हैं, एक एट द स्पॉट खत्म हो गए मुल्ला जी, एक फौजी थे वो भी घायल है, और एक और था कोई उनका कबाड़ी कुछ सामान वामान देना आया था वो भी घायल है, वो मेडिकल। आप थे क्या यहाँ पर, क्या हुआ था यहाँ पे? सर 3 बंदे थे, और तौसीफ जी का तो इंस्टेंट मौत हो चुकी थी, और एक यहाँ रामिंदर फौजी जी थे। रामिंदर जो फौजी जी थे वे यहाँ पे अक्सर अखबार पढ़ने आते थे। मेरी पास में यहाँ पे दुकान है जनसेवा केंद्र की, मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, और तीसरे पर्सन जो होते हैं उनकी मुझे जानकारी नहीं है, वे शायद कबाड़ी होंगे जो इनका सामान लेके जाते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी। सर भयंकर तरीके से ये धमाका हुआ था, कि ये सपोज कीजिए कि यहाँ से हमारी दुकान के अंदर के जो ऊपर के सामान रखे हुए थे वो भी नीचे गिर चुके, शीशा फूट चुका है हमारी दुकान का भी, बगल में हमारे पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास में भी अंदर का जो ऑफिस मैन ऑफिस था वो बंद होने के कारण से अंदर की लाइब्रेरी का भी शीशे फूट चुके हैं, हमारी सीट वगैरह जो थी उसमें भी हमें बहुत दिक्कत हुई है। तो मतलब सर काफ़ी तरीके से बहुत ही भयंकर वो हुआ था सर इस तरीके। प्रधान जी ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ थी? सर ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा विस्फोटक, मुल्ला जी ने सोचा होगा कि उसके अंदर से कोई कोपर निकलेगा या कुछ, उसको लेकर के वो तोड़ रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ बारूद टाइप का कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल रहा होगा जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। चलिए ये थे यहाँ के लोग जिनका ये बताना है कि ये हादसा किसी वस्तु की वजह से हुआ, क्योंकि कबाड़ी की दुकान थी तो कोई ना कोई आके सामान दे के जाता होगा, और वो सामान जब वो उन्होंने देखा होगा, उसकी तहकीकात करी होगी, तो यहाँ पर ये हादसा हुआ है। अभी ये जांच का विषय है कि वो चीज़ क्या थी। फॉरेंसिक की टीम अब यहाँ पर मौके पर पहुँचने वाली है, और यहाँ पर जाँच होगी ये वस्तु क्या थी, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। ये गंगानगर क्षेत्र में अमेड़ा जगह है, जहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान में एक जो मिलिट्री का उपकरण है उस तरह बताया जा रहा है, उसको तोड़ने के दौरान जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जो तौसीफ नाम का
कबाड़ी है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसकी घायल अवस्था में भेजा गया था जहां मृत्यु हो गई मेडिकल कॉलेज में। दो लोग घायल हैं, एक जो यहीं पास के रहने वाले हैं वो यहां आते जाते रहते कबाड़ी की दुकान पर, वो बैठे हुए थे, वो घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य और व्यक्ति है जो यहाँ पर मौजूद था, वो भी घायल है, उनको दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी जानकारी की जा रही है, इसमें अन्य चीज़ें क्या, फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई। किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है, ये कैसे हुआ है, थोड़ा सा ये बता दें। एक उपकरण है जो लग रहा है कि किसी मिलिट्री का कुछ पार्ट जो यूज़ होते हैं उसका लग रहा है। अब उसके बारे में अभी और जानकारी की जा रही है कि वो क्या है और कहाँ से आया है और किस तरह से ब्लास्ट हुआ, इसकी सारी जानकारी जुटाई जाएगी।